सत श्री अकाल दोस्तों, मैं डॉक्टर अवतार बासी दिल्ली तो। अज आप गल करते हैं बकरी दे पेट दे कीड़िया दी। आप कई बारी देखते हैं कि बकरी दे आप चारा पूरा खिलाने हैं, सब दवाई दारू माहौल बिल्कुल उन्होंने ठीक रखते हैं, पर उदे बाद भी बकरियां तगड़िया नहीं होंदिया। उसका एक कारण हुंदा जे वो पेट च हर तरीके दे कीड़े जदों आपां उन्हां नूं खाण नूं दिंदे आ ते उन्हां दे पेट च वी कीड़े हुंदे आ। उहदे लई सब तो बेस्ट इलाज है कि आपां उन्हां दी हर 3 महीने बाद डिवॉर्मिंग करिए तां कि वो अपना स्वस्थ रहन, क्योंकि जिहड़े पेट दे कीड़े है जदों तुसीं उन्हां नूं चारा पाउंदे हो, समझ लो आपां 1 किलो चारा उन्हां नूं पाया, जे उहदे ढिड च कीड़े ज़्यादा है ते वो तकरीबन अद्धे तो ज़्यादा खाना तो कीड़िया ने ही खा जाना। बकरी 20-25% तो वध नहीं मिलता। तो उहदे च की हुंदा है कि बकरी कदे भी तगड़ी नहीं हुंदी, बकरी दे जो पेट है वो बिल्कुल ए अंदर चले जाता है, बकरी दी स्किन है वो बिल्कुल खुरदरी जी हो जाती है। किसान भरा सोचते हैं जी असी बकरी इन्ना खिलाया उहदे बाद भी बकरी तगड़ी नहीं हो पाती। उहदे लई दोस्तों आपां नूं चाहिए कि आप हर 3 महीने बाद बकरी की डिवॉर्मिंग करिए, और जो डिवॉर्मिंग करिए वह बकरी के वक्रे वक्रे सॉल्ट नाल करिया जाए, दवाइया जिहड़ियां होण उन्हां दी सॉल्ट वक्री वक्री होवे। तो इसलिए कोशिश करो कि एक रिकॉर्ड बनाओ, हर 3 महीने बकरी की डिवॉर्मिंग करो। डिवॉर्मिंग करके उन्हूं खाना पीना जो तुसी थोड़ा बहुत भी दोगे वो भी उन्होंने लगता है। जब आप कहने ना खाना नहीं लग रहा, खाना ना लगन का कारण वो कीड़े है। और जो आप कह रहे हैं कि अलग अलग सॉल्ट की दवाई ना करना चाहिए, उसका कारण कि बकरी के पेट में अलग अलग तरीके दे कीड़े होंगे है, तो हर दवाई इको दवाई एक बकरी के पेट से काम नहीं करती। हर कीड़े लिए वक्री दवाई चाहिए है, उन्होंने वक्रा मौसम होंगे। तो इस करके इन्हां दी सॉल्ट आपां वक्री वक्री लेनी है। इहदे च एल्बेंडाजोल आंदी है, फनबेंडाजोल आंदी है, आइवरमैक्टिन आंदी है, क्लोसेंटल आंदी है, पेनाक्योर आंदी है। इहदे च 1-2 दवाइयां वो है जिहड़ियां आपां गब्बन नूं दे सकदे हैं, और 1-2 दवाइयां है जिहड़ियां आपां गब्बन नूं नहीं दे सकते। तो जो भी कीड़िया की दवाई तुसीं दिओ, कोशिश करो, चैक करो अपनी बकरी जे गब्बन है उन्हों सॉल्ट नू चेक करो, अपने डॉक्टर ना सलाह लो कि सब नू ए दवाई मैं अपनी गब्बन बकरी नू दे सकदा नहीं दे सकदा। कुछ दवाइयां होंदिया जिन्हां दा रिजल्ट अपने एदे च बच्चियां च बहुत सोहना आउंदा। बच्चियां दी जिहड़ी डिवर्मिंग है, बच्चियां तों शुरू करिए, तो बच्चियां दी जिहड़ी डिवर्मिंग है वो जन्म तो 20-25 दिन बाद करना चाहिए। तो जो भी दवाई दिओ वो अपने डॉक्टर ना सलाह करो, कोई इदा ना होए कि तुसी जेड़ी दवाई गब्बन नू नहीं दे सकदे वो दे दिओ ते उहदा अपना नुकसान हो जाए, बच्चा सिट जाए या कुछ भी हो जाए। तो खान पीन नू बिल्कुल ओके करो, और बाकी जेड़ी पूरी जे आप जी नू पूरी जानकारी चाहिदी है तो ट्रेनिंग लवो, आओ सीखो, तो अपना फार्म नू कामयाब बनाओ।